हेलो फ्रेंड्स, आज इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोर्ट के तीसरे लेक्चर में हम जो इनिशिएशन ऑफ सीआईआरपी बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर को देखेंगे। इससे पहले अभी हमने पार्ट वन और पार्ट टू कवर किया था, तो पार्ट टू में हम देख रहे थे कि हु कैन इनिशिएट सीआईआरपी अगेंस्ट द कॉरपोरेट डेटर। तो अंडर सेक्शन 6 इट इज मेंशन दैट हु कैन इनिशिएट सीआईआरपी। तो सीआईआरपी में अंडर सेक्शन 7 फाइनेंशियल क्रेडिटर, अंडर सेक्शन 9 ऑपरेशनल क्रेडिटर एंड अंडर सेक्शन 10 कॉरपोरेट डेटर खुद कॉरपोरेट डेटर के अगेंस्ट में इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए पिटीशन फाइल कर सकता है। तो यहां पे आज पार्ट टू में हमने देख लिया था कि फाइनेंशियल क्रेडिटर कैसे एप्लीकेशन इनिशिएट कर सकता है एनसीएलटी में। अब हम देखेंगे आज सेक्शन 8 और 9 में कि इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर। तो सेक्शन 8 इज अबाउट डिमांड नोटिस टू कॉरपोरेट डेटर। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब ऑपरेशनल क्रेडिटर की बात आती है, तो ऑपरेशनल डेट को हम पार्ट वन में देख चुके हैं डेफिनेशन को। तो जो ऑपरेशनल क्रेडिटर होता है वो सबसे पहले डिमांड नोटिस एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में कॉरपोरेट डेटर को देता है। तो ये प्रोसेस जो दे रखी है वो सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 में दे रखी है कि अगर जब भी कोई डिफॉल्ट होता है तो ऑपरेशनल क्रेडिटर विल डिलीवर ए डिमांड नोटिस ऑफ एन अनपेड ऑपरेशनल डेटर, कॉपी ऑफ एन इनवॉइस डिमांडिंग पेमेंट ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व इन द डिफॉल्ट टू द कॉरपोरेट डेटर इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। तो जिस एक प्रेस्क्राइब फॉर्म है उसके अंदर वो डिमांड नोटिस ऑपरेशनल क्रेडिटर कॉरपोरेट डेटर को भेजेगा। तो डिमांड नोटिस का मतलब है कि ए नोटिस सर्व्ड बाय एन ऑपरेशनल क्रेडिटर टू द कॉरपोरेट डेटर डिमांडिंग पेमेंट ऑफ द ऑपरेशनल डेट इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द डिफॉल्ट हैज अकर्ड। यहां पे क्या होता है कि डिमांड नोटिस या तो वो अगर कई बार क्या होता है कि जैसे ऑपरेशनल क्रेडिटर का कॉरपोरेट डेटर के साथ बहुत लंबे बिजनेस रिलेशनशिप चलती है, तो उसमें हो सकता है कि बहुत सारे बिलों का पेमेंट पेंडिंग हो या एडहॉक पेमेंट पेंडिंग हो, तो उस केस में वो डिमांड नोटिस देता है। और अगर कोई एक प्रेस्क्राइब पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक या दो ही इनवॉइस पेंडिंग हो, तो वो ये भी हो सकता है कि वो केवल इनवॉइस की कॉपी भी दे सकते हैं। उसके लिए भी एक प्रेस्क्राइब प्रोसीजर है जो हम आगे देखते हैं। तो या तो वो डिमांड नोटिस देगा या इनवॉइस की कॉपी भेजेगा। अब 10 दिन के अंदर अंदर सेक्शन 8 सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर कॉरपोरेट डेटर विद इन 10 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ द डिमांड नोटिस और कॉपी ऑफ द इनवॉइस ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द ऑपरेशनल क्रेडिटर क्लोज ए सेज एग्जिस्टेंस ऑफ ए डिस्प्यूट, यानी 10 दिन के अंदर अंदर कॉरपोरेट डेटर को जवाब देना पड़ेगा। और जवाब देने के लिए वो क्या कर सकता है कि या तो वो ये कहे कि देर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ ए डिस्प्यूट इफ एनी और रिकॉर्ड ऑफ द पेंडेंसी ऑफ द सूट और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग फाइल्ड बिफोर द रिसीट ऑफ सच नोटिस और इनवॉइस इन रिलेशन टू सच डिस्प्यूट। यानी वो ये बताएगा 10 दिन के अंदर अंदर जो डिमांड नोटिस पहुंचेगा उसके अंदर अंदर कॉरपोरेट डेटर कि यहां कोई डिस्प्यूट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है बिफोर द रिसीट ऑफ सच नोटिस, या कोई सूट पेंडिंग है या आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग इस डिस्प्यूट से रिलेटेड कोई भी पेंडिंग है तो वो बताएगा, या वो ये कहेगा कि द पेमेंट ऑफ अनपेड ऑपरेशनल डेट हैज ऑलरेडी बीन मेड by sending an attested copy of the record of electronic transfer of the unpaid amount from the bank account of the corporate debtor, or by sending an attested copy of record that the operational creditor has encased a check issued by the corporate debtor। यानी वो ये बताएगा कि या तो 10 दिन के अंदर अंदर कि there is an existence of dispute before the receipt of such demand notice or payment has already been made with the evidence that there is a copy of record of electronic transfer, या वो ये बताएगा कि ये जो चेक है
this check has been encashed by the operational creditor. तो अगर वो 10 दिन के अंदर अंदर ये बता देता है, then जो एप्लीकेशन है वो फर्दर प्रोसेस इस एक्ट में नहीं होगी, और होगी तो वो एडमिट नहीं हो पाएगी. लेकिन अगर 10 दिन के अंदर वो न तो ये रिप्लाई दे पाता है और ये शो कर पाता है कि देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट, ना वो ये एविडेंस कोई दे पाता है कि पेमेंट वो ऑलरेडी कर चुका है, देन ऑपरेशनल क्रेडिटर इज एंटाइटल्ड टू फाइल एप्लीकेशन इन द एनसीएलटी टू इनिशिएट सीआईआरपी अगेंस्ट द कॉरपोरेट डेटर. पर अब ये बात आ रही थी कि जो प्रेस्क्राइब फॉर्म डिमांड नोटिस का होगा वो एज मेंशन्ड इन रूल 5 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रूल्स 2016. तो ये रूल 5 क्या है? इट इज अबाउट डिमांड नोटिस बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर. सो रूल 5 सेज दैट एन ऑपरेशनल क्रेडिटर शैल डिलीवर टू द कॉरपोरेट डेटर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, नेमली ए डिमांड नोटिस इन फॉर्म 3. सो फॉर्म 3 हैज बीन प्रेस्क्राइब फॉर द डिमांड नोटिस, और ए कॉपी ऑफ द इनवॉइस अटैच्ड विद अ नोटिस इन फॉर्म 4. तो या तो वो फॉर्म 3 में डिमांड नोटिस भेजे या वो इनवॉइस भेजे फॉर्म 4 में. एंड रूल 5 सब रूल 2 सेज द डिमांड नोटिस और द कॉपी ऑफ द इनवॉइस डिमांडिंग पेमेंट रेफर्ड टू इन सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 8 ऑफ द कोड मे बी डिलीवर्ड टू द कॉरपोरेट डेटर. तो डिमांड नोटिस शुड बी डिलीवर्ड टू द कॉरपोरेट डेटर. कहां पे डिलीवर होना चाहिए? वो एट द रजिस्टर्ड ऑफिस. जो डिमांड नोटिस है वो डिलीवर होना चाहिए या तो रजिस्टर्ड ऑफिस बाय हैंड, कॉरपोरेट डेटर के रजिस्टर्ड ऑफिस पे डिलीवर होना चाहिए, या तो दस्ती नोटिस बाय हैंड या रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट विद ड्यू एक्नोलेजमेंट के साथ वो भेजा जाए. और अगर वो रजिस्टर्ड ऑफिस पे डिलीवर नहीं होता तो ही कैन ऑल्सो ऑपरेशनल क्रेडिटर कैन ऑल्सो सेंड डिमांड नोटिस बाय इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विसेज टू ए होल टाइम डायरेक्टर. तो अगर वो रजिस्टर्ड ऑफिस पे जब डिमांड नोटिस डिलीवर नहीं हो पा रहा है तो वो होल टाइम डायरेक्टर को भी मेल कर सकते हैं, या कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर अगर एलएलपी का कैसे तो उनको मेल कर सकते हैं, या कोई भी की मैनेजरियल पर्सनल को मेल किया जा सकता है. तो अगर उस केस में भी ये सर्विस ऑफ नोटिस माना जाएगा. रूल 5 सब रूल 3 कहता है कि एक कॉपी ऑफ डिमांड नोटिस और इनवॉइस डिमांडिंग पेमेंट सर्व्ड अंडर दिस रूल बाय एन ऑपरेशनल क्रेडिटर शेल ऑल्सो बी फाइल्ड विद एन इंफॉर्मेशन यूटिलिटी इफ एनी. अभी ये रूल जो 5.3 है जिसमें कि ये कहा गया है कि डिमांड नोटिस की कॉपी जो है ये इंफॉर्मेशन यूटिलिटी को भी फाइल की जाएगी इफ एनी. तो अभी ये मैंडेटरी नहीं हुआ है, डायरेक्टरी है, रिकमेंडेटरी है. तो अगर चाहे तो वो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी को भी इस डिमांड नोटिस की कॉपी भेज सकते हैं. तो यहां हमने ये देखा कि डिमांड नोटिस है वो प्रेस्क्राइब फॉर्म 3 में, और अगर कॉपी ऑफ इनवॉइस भेजी जाएगी तो वो प्रेस्क्राइब फॉर्म नंबर 4 में भेजी जाएगी, और 10 दिन के अंदर अंदर कॉरपोरेट डेटर या तो ये बताएगा कि देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट, और या फिर वो ये बताएगा कि द कॉरपोरेट डेटर हैज ऑलरेडी मेड द पेमेंट टू द ऑपरेशनल क्रेडिटर विद एन एविडेंस, कि वो एविडेंस के साथ में ये बताएगा. फॉर्म 3 जो प्रेस्क्राइब फॉर्म फॉर्मेट है डिमांड नोटिस का, उसको भी हम यहां पे देख लेते हैं. इसको आप देख लीजिएगा कि ये डिटेल में स्टडी करेंगे तो जो जो इंफॉर्मेशन यहां पे मांगी जाती है वो अपने को फिल करके देनी पड़ती है. तो इसमें टोटल अमाउंट ऑफ डेट, डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन अकाउंट ऑफ विच डेट फेल ड्यू एंड द डेट फ्रॉम विच सच डेट फेल ड्यू, देन अमाउंट क्लेम टू बी इन डिफॉल्ट एंड द डेट ऑन विच द डिफॉल्ट अकर्ड. इसके लिए वर्किंग कंप्यूटेशन जो अपने को है डिफॉल्ट का बना के और साथ में अटैच करना पड़ता है. फिर हमको पर्टिकुलर्स ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड इफ एनी, अगर कोई सिक्योरिटी ले रखी है उसके बदले में तो वो भी हमको यहाँ पे शो करनी पड़ती है. इफ देयर इज एनी रिटेंशन ऑफ टाइटल अरेंजमेंट
in respect of goods to which the operational date refers, then it has also need to be shown. Then record of default with the information utility, if any. Then provision of law, contract or other document under which date has become due. List of documents attached to this application in order to prove the existence of operational date and the amount in default. फिर इसी फॉर्म में पॉइंट नंबर थ्री में ये लिखा हुआ है कि इफ यू डिस्प्यूट द एग्जिस्टेंस और अमाउंट ऑफ अनपेड ऑपरेशनल डेट इन डिफॉल्ट प्लीज प्रोवाइड द अंडर साइंड विद इन 10 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ दिस लेटर ऑफ द पेंडेंसी ऑफ द सूट और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स इन रिलेशन टू सच डिस्प्यूट फाइल्ड बिफोर द रिसीट ऑफ दिस लेटर और नोटिस. तो ये क्लियर है इसमें. पॉइंट नंबर फोर ये कहता है कि इफ यू बिलीव दैट द डेट हैज बीन रीपेड बिफोर द रिसीट ऑफ दिस लेटर प्लीज डेमोन्स्ट्रेट सच रीपेमेंट बाय सेंडिंग टू अस विद इन 10 डेज ऑफ रिसीट ऑफ दिस लेटर द फॉलोइंग एन अटेस्टेड कॉपी ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ द अनपेड अमाउंट फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर और एन अटेस्टेड कॉपी ऑफ एनी रिकॉर्ड that which shows that payment has been received by the operational creditor. तो उन्होंने ये कहा कि 10 दिन में या तो आप हमको dispute के बारे में बताओ या ये बताओ कि अगर payment कर दिया है तो उसका evidence हमको दो. The undersigned hereby attach a certificate from an information utility confirming that no record of a dispute raised in relation to the relevant operational date has been filed by any person at any information utility if any. तो अगर कोई भी सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन यूटिलिटी अगर इंफॉर्मेशन यूटिलिटी को वहां पे अगर इसने ऑपरेशनल क्रेडिटर ने इस डेट को रजिस्टर कराया है तो वो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी से वो एक सर्टिफिकेट भी ले सकता है कि कोई ये डेट अभी भी अनपेड है उस बात का. लेकिन ये अभी भी मैंडेटरी नहीं है, डायरेक्टरी है. तो चाहें तो ये करा सकते हैं, चाहे इसकी कोई जरूरत नहीं है. ये एप्लीकेशन लगाने के लिए कंपल्सरी चीज नहीं है कि इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में ये डेट को पहले रजिस्टर कराया जाए. पॉइंट सिक्स है यहां, द अंडरसाइंड रिक्वेस्ट यू टू अनकंडीशनली रिपे द अनपेड ऑपरेशनल डेट इन डिफॉल्ट इन फुल विद इन 10 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ दिस लेटर फेलिंग विच वी शैल इनिशिएट ए कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट डेटर. यानी अगर 10 दिन में आप जवाब नहीं देते हो तो ऑपरेशनल क्रेडिटर सेज हियर दैट वी आर एंटाइटल टू फाइल एन एप्लीकेशन टू इनिशिएट सीआईआरपी अगेंस्ट यू. नाउ फॉर्म फोर, इट इज अबाउट फॉर्म ऑफ नोटिस विद विच इनवॉइस डिमांडिंग पेमेंट इज टू बी अटैच. अगर कोई इनवॉइस है जो स्पेसिफिक इनवॉइस है और वो इनवॉइस ही अनपेड है तो उसको यहाँ पे फॉर्म फोर के साथ में भेजा जा सकता है. अदर कंडीशन विल रिमेन सेम इन द फॉर्म फोर ऑल्सो. नाउ विद इन 10 डेज अगर कॉरपोरेट डेटर फेल हो जाता है ये रिप्लाई देने से या डिस्प्यूट जो इन एग्जिस्टेंस है उसके एविडेंस देने में, इन दैट केस सेक्शन 9 विल बी इन्वॉक्ड. सेक्शन 9 इज अबाउट एप्लीकेशन फॉर इनिशिएशन ऑफ सीआईआरपी बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर. सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 सेज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 10 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ द नोटिस और इनवॉइस डिमांडिंग पेमेंट अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 8 if the operational creditor does not receive payment from the corporate debtor or notice of the dispute under subsection 2 of the section 8, the operational creditor may file an application before the adjudicating authority for initiating a CIRP. yani 10 din mein agar usko koi bhi jo dispute hai uske bare mein corporate debtor se koi information nahi milti ki there is a dispute in existence या पेमेंट का कोई एविडेंस नहीं मिलता है तो द ऑपरेशनल क्रेडिटर मे फाइल
an application before the adjudicating authority for initiating a CIRP against the corporate debtor. Now, subsection 2 says the application under subsection 1 shall be filed in such form and manner as and accompanied with such fees as may be prescribed. तो सेक्शन 7 में हमने देखा था कि फीस है वो 25,000 रुपीज है. सेक्शन 8 इज अबाउट ऑपरेशनल क्रेडिटर. तो ऑपरेशनल क्रेडिटर के लिए ये बहुत ही कम फीस है, केवल 2,000 रुपए की फीस प्रेस्क्राइब्ड है. जबकि सेक्शन 10 में जो कॉरपोरेट डेटर खुद जो सीआईआरपी इनिशिएट कराने के लिए एप्लीकेशन देता है उसकी फीस भी 25,000 रुपीज है. सबसेक्शन 3 कहता है द ऑपरेशनल क्रेडिटर शैल अलोंग विद द एप्लीकेशन फर्निश ए कॉपी ऑफ द इनवॉइस डिमांडिंग पेमेंट और डिमांड नोटिस डिलीवर्ड बाय द ऑपरेशनल क्रेडिटर टू द कॉरपोरेट डेटर. तो जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है वो इस एप्लीकेशन के साथ साथ में डिमांड नोटिस की कॉपी भी लगाएगा या वो जो इनवॉइस की कॉपी है उसको भी लगाएगा. एंड एन एफिडेविट to the effect that there is no notice given by the corporate debtor relating to a dispute of the unpaid operational debt. साथ में एक affidavit भी लगाएगा operational creditor कि कोई भी हमको notice of dispute corporate debtor की तरफ से नहीं मिला है. Clause C कहता है a copy of the certificate from the financial institution maintaining accounts of the operational creditor. जो ऑपरेशनल क्रेडिटर का अकाउंट मेंटेन कर रहा है उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एक सर्टिफिकेट लेके जो ये कंफर्म करता हो कि नो पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड ऑफ द अनपेड ऑपरेशनल डेट इफ अवेलेबल. यानी ये भी अब मैंडेटरी नहीं है, खाली रिकमेंडेटरी है. पहले ये मैंडेटरी प्रोविजन था कि जिस बैंक में ऑपरेशनल क्रेडिटर का अकाउंट है उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ये सर्टिफिकेट लिया जाए कि यह ऑपरेशनल डेट जो अनपेड ऑपरेशनल डेट है उसका पेमेंट अभी तक हुआ नहीं है. लेकिन बाद में ये प्रैक्टिकली इतनी डिफिकल्टी आने लगी कि कोई भी बैंक ये कहता था कि हमें कैसे पता कि ये अकाउंट में पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है इस पर्टिकुलर कॉरपोरेट डेटर से इस ऑपरेशनल क्रेडिटर का. तो इसके बाद फिर ये प्रोविजन है जो मैंडेटरी से रिकमेंडेटरी कर दिया. देन क्लोज डी कहता है कि ए कॉपी ऑफ एनी रिकॉर्ड विद इंफॉर्मेशन यूटिलिटी. तो ये भी मैंने बताया था आपको कि मैंडेटरी नहीं है, खाली रिकमेंडेटरी है. अब ऑपरेशनल क्रेडिटर अगर और कोई उसके पास ये प्रूफ हो विच कंफर्म दैट देयर इज नो पेमेंट ऑफ एन अनपेड ऑपरेशनल डेट बाय द कॉरपोरेट डेटर तो वो भी उसके साथ में लगा देंगे एप्लीकेशन के साथ में. या और कोई भी इंफॉर्मेशन जो उसको ये प्रूव करती हो कि ये ऑपरेशनल डेट इतना बाकी है और वो पेमेंट अभी तक भी हुआ नहीं है तो वो भी लगाना पड़ेगा. अब सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 कहता है कि एन ऑपरेशनल क्रेडिटर इनिशिएटिंग ए सीआईआरपी अंडर दिस सेक्शन मे प्रपोज ए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल टू एक्ट एज एन इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल. जब भी ये पिटीशन लगाई जाती है तो उसके साथ में सेक्शन 7 और 10, सेक्शन 7 में फाइनेंशियल क्रेडिटर और सेक्शन 10 में कॉरपोरेट डेटर खुद जब पिटीशन के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं तो उनको इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम प्रपोज करना कंपलसरी है. जबकि यहां सेक्शन 9 जो ऑपरेशनल क्रेडिटर पिटीशन फाइल करता है उसमें यह लिखा है कि इट मे प्रपोज, यानी अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर चाहे तो अपनी तरफ से इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम प्रपोज कर सकता है और अगर उसके पास कोई इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जानकारी में नहीं है तो वो चाहे तो उसे खाली भी छोड़ सकता है. अब सेक्शन सबसेक्शन 5 कहता है सेक्शन 9 का कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शेल विद इन 14 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 2 बाय एन ऑर्डर. 14 दिन के अंदर अंदर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यानी एनसीएलटी विल आइदर एडमिट और रिजेक्ट द एप्लीकेशन. सो जो क्लोज 1 ऑफ सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 9 से दैट द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल एडमिट द एप्लीकेशन एंड कम्युनिकेट सच डिसीजन टू द ऑपरेशनल क्रेडिटर एंड द कॉरपोरेट डेटर.
If the application is admitted, then it will be communicated to the operational creditor and corporate debtor both. But when admit the application, when adjudicating authority will admit the application, if the application made under subsection 2 is complete. Agar application complete hai and there is no payment of the unpaid operational debt and the invoice or notice for payment to the corporate debtor has been delivered by the operational creditor. No notice of dispute has been received by the operational creditor or there is no record of dispute in the information utility. There is no disciplinary proceeding pending against any resolution professional proposed under subsection 4, if any. यानी ये पांच चीजें हों कि जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो, कोई ऑपरेशनल जो अनपेड ऑपरेशनल डेट है उसका पेमेंट नहीं हुआ हो, या जो डिमांड नोटिस है या इनवॉइस की कॉपी भेजी गई है वो ड्यूली डिलीवर्ड हुई हो, कोई डिस्प्यूट रिसीव नहीं हुआ हो ऑपरेशनल क्रेडिटर को, या कोई इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में कोई डिस्प्यूट नहीं हो, या कोई जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम अगर प्रपोज किया है इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का उसके अगेंस्ट में कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं हो, तो वो एप्लीकेशन एडमिट कर लेगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एंड इट विल कम्युनिकेटेड टू कॉर्पोरेट डेटर एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर बोथ. नाउ इन व्हाट कंडीशन द एप्लीकेशन वुड बी रिजेक्टेड? इट विल बी रिजेक्टेड. द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल रिजेक्ट द एप्लीकेशन एंड कम्युनिकेट सच डिसीजन टू द ऑपरेशनल क्रेडिटर एंड द कॉर्पोरेट डेटर इफ द एप्लीकेशन इज incomplete and there has been payment of the operational debt. The creditor has not delivered the invoice or notice for payment to the corporate debtor, or notice of dispute has been received by the operational creditor, or there is a record of dispute in the information utility, or any disciplinary proceeding is pending against any proposed resolution professional. इन पांच केसेज में एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी अगर एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, या अनपेड ऑपरेशनल डेट का पेमेंट हो गया है, या जो डिमांड नोटिस है वो डिलीवर नहीं हुआ हो कॉर्पोरेट डेटर को, या डिस्प्यूट रिसीव हो गया हो, या कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग प्रपोज्ड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के अगेंस्ट में पेंडिंग हो, तो उस केस में ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी और ये डिसीजन है वो ऑपरेशनल क्रेडिटर एंड कॉर्पोरेट डेटर दोनों को कम्युनिकेट कर दिया जाएगा. लेकिन कोई भी एप्लीकेशन रिजेक्ट करने से पहले, रिजेक्ट किस केस में, अगर कोई एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, यानी क्लोज ए में अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट होने की पोजीशन आ रही है, देन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बिफोर रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन गिव ए नोटिस टू द एप्लीकेंट. तो उस केस में वो एप्लीकेंट को पहले नोटिस देंगे और 7 दिन का टाइम देंगे कि 7 दिन में आप ये गलती जो भी है या कोई इनकम्प्लीट प्रोसेस है उसको आप कंप्लीट कर लो, अदरवाइज द एप्लीकेशन शैल बी रिजेक्टेड. तो अगर क्लोज ए यानी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है तो उस केस में रिजेक्ट करने से पहले एक बार अपॉर्चुनिटी दी जाएगी एप्लीकेंट को टू रेक्टिफाई द मिस्टेक एंड 7 डेज विल बी ग्रांटेड टू रेक्टिफाई द मिस्टेक. देन सबसेक्शन 6 कहता है दैट सीआईआरपी शैल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ द एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ दिस सेक्शन. यानी जैसे ही ये फाइल, अगर एप्लीकेशन एडमिट होती है या रिजेक्ट होती है, तो द मोमेंट इट इज एडमिटेड उसी दिन से जो सीआईआरपी इनिशिएट मान ली जाएगी, तो जो हम कहते हैं ना कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस शैल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, तो इट वुड बी डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ सीआईआरपी. नाउ रूल 6 इज अबाउट, रूल 6 ऑफ
Insolvency and Bankruptcy Application to Adjudicating Authority Rules 2016 says is about application by operational creditor. So an operational creditor shall make an application for initiating the CIRP against a corporate debtor under section 9 of the code in form 5 accompanied with the documents and records required therein and as specified in the Insolvency and Bankruptcy Board of India Insolvency Resolution Process for Corporate Persons Regulation 2016. तो जो ये application है हमने देखा भी form 3 में demand notice दिया जाएगा, form 4 में notice of copy of invoice दी जाएगी and form 5 में application दी जाएगी, application for initiation of CIRP by operational creditor. तो इस तरीके से ये form हमको देखने पड़ेंगे. अब the application under sub rule 1 shall dispatch forthwith a copy of the application filed with the adjudicating authority by registered post or speed post to the registered office of the corporate debtor. तो जो ये application है इसकी एक copy corporate debtor के registered office पे भी registered post से भेजनी पड़ेगी. Now rule 8 is about withdrawal of application. तो कोई भी एप्लीकेशन एडमिट होने से पहले पहले जो रूल 4 में एप्लीकेशन बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर, रूल 6 में एप्लीकेशन बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर और रूल 7 इज अबाउट एप्लीकेशन बाय कॉर्पोरेट एप्लीकेंट. तो इन तीनों केस में बिफोर एडमिशन ऑफ द एप्लीकेशन द एप्लीकेंट मे विथड्रॉ द एप्लीकेशन. वो चाहे तो एप्लीकेशन को पिटीशन को विथड्रॉ कर सकता है बिफोर इट गेट्स एडमिटेड. Now rule 9 is about IRP, interim resolution professional का जो rule है ये हमने part 2 में पढ़ा है कि जब भी कोई application के time जहां जहां भी जरूरत है अगर insolvency resolution professional का नाम देने के लिए interim resolution professional का तो वो form 2 में उनकी consent लेके और वो submit होगा application के साथ में और उसी के साथ में उसका जो IRP का सर्टिफिकेट है वो भी सबमिट होगा. फिर रूल 10 है इट इज अबाउट फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन फीस. जैसा मैंने बताया कि ऑपरेशनल क्रेडिटर के केस में फीस केवल ₹2000 है, बाकी डिटेल हम पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके हैं. आप पार्ट 2 वापस रेफर करेंगे तो आपको ये पूरी डिटेल वहां पे मिल जाएगी. रूल 20, 21, 22, 23, 23A, 24 ये सब हमने वहां पे डिस्कस कर लिया है तो यहां पे हम इसको दोबारा नहीं देखेंगे, लेकिन मैंने नोट्स के पर्पज से इसको यहां पे वापस पूरा रिपीट कर दिया है. बाकी इसकी डिटेल समझने के लिए आप मेरा पुराना वाला लेक्चर पार्ट 2 रेफर कर सकते हो. अब हम थोड़े केस लॉज देख लेते हैं. तो इसमें सबसे पहला केस लो देखते हैं अपन, अपोलो पाइप्स लिमिटेड वर्सेज श्री हरि इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड. ये फरवरी 2019 में केस डिसाइड हुआ था जिसमें वेयर मच प्रायर टू इश्यू ऑफ डिमांड नोटिस अंडर सेक्शन 8 कॉर्पोरेट डेटर रेज्ड ए डिस्प्यूट रिगार्डिंग क्वालिटी ऑफ गुड्स सप्लाइड बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर. देयर वाज अ प्री एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट एंड हेंस एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 9 वाज टू बी रिजेक्टेड. अगर एप्लीकेशन देने से काफी पहले से ही ये डिस्प्यूट किया हुआ है तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं और एप्लीकेशन वुड बी रिजेक्टेड. दूसरा केस देखते हैं हम, पुष्टि इंपैक्ट वर्सेज श्री सत्यनारायणा इंडस्ट्रियल सप्लायर्स प्राइवेट लिमिटेड. इट वॉज डिसाइडेड बाय द NCLT न्यू दिल्ली ऑन 30th January 2019. And this is about section 9 read with section 8 of the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 and rule 5 of the Companies Transfer of Pending Proceedings rule 2016 and rule 5 of the Insolvency and Bankruptcy Application to Adjudicating Authority rules 2016. CIRP application by operational creditor. So in this case operational creditor filed petition for winding up of respondent. Corporate debtor pursuant to rule 5 of the Companies Transfer of Pending Proceeding rules
2016, said petition was transferred to adjudicating authority. And after transfer of case, operational creditor had neither issued demand notice nor furnished necessary information in terms of Rule 6 of the Application to Adjudicating Authority Rules as stipulated in Rule 5 of the Company's Transfer of Pending Proceeding Rules 2016. So, winding up petition चल रही थी और वो winding up petition transfer होके NCLT में आई और उसमें जो demand notice भी उसने फिर उसके बाद operational creditor ने नहीं दिया and rule 6 में जो application to adjudicating authority rule था जो कि उसमें rule 5 companies transfer of pending proceeding rule में भी लिखा हुआ था वो भी उन्होंने फॉलो नहीं किया तो उसके बाद फिर इस NCLT में Insolvency and Bankruptcy Court में उसके खिलाफ corporate debtor के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती और इस वजह से application under section 9 was abated. Then next case is NCLT Chennai bench has decided in the matter of GHCL Limited versus Gold King Tax India Private Limited. Section 9 of the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 read with Rule 6 of the Insolvency and Bankruptcy Application to Adjudicating Authority Rules 2016. So, it is under business agreement an operational creditor supplied yarn to corporate debtor for converting into grey fabric. So, जो एक business agreement के अंदर ये था कि operational creditor है corporate debtor को yarn supply करता था कि इससे वो grey fabric उसको तैयार करके दे दे यानी it was a sort of job work agreement arrangement जिसमें operational creditor के लिए corporate debtor job work किया करता था but क्या हुआ कि corporate debtor ने business activity stop कर दी और जो उसका stock था वहाँ पे operational creditor का वो भी वापस उसने नहीं लौटाया तो ऑपरेशनल क्रेडिटर ने क्या किया कि एक इनवॉइस रेज कर दिया उस पेंडिंग स्टॉक का और व्हिच वाज ड्यूली एक्नॉलेज्ड बाय कॉर्पोरेट डेटर आल्सो फिर जब पेमेंट रिसीव नहीं हुआ तो उसने डिमांड नोटिस इशू करा और कई बार जब डिमांड नोटिस इशू किया लेकिन फिर भी वो डिमांड नोटिस रिटर्न होकर आ जाता था विद द एंडोर्समेंट दैट कंपनी इज क्लोज्ड Now notice was served through email. जैसा मैंने बताया था कि या तो registered office पे आप notice serve करो या mail करो whole time directors को KMP को या कोई भी managing partner को LLP के case में तो email से जो notice दिया that was also not replied by the corporate debtor. So section 9 में फिर उसके बाद operational creditor ने application file कर दी और affidavit was also filed कि कोई हमको notice has not never been received about the dispute and unpaid operational debt. So since the all conditions are fulfilled, so petition was admitted. Now in the next case, it is about NCLT. It was decided by NCLT New Delhi in the matter of Aloys Min Industries versus Raman Casting Private Limited. The adjudicating authority rejected said application under section 9 on the ground that demand notice under section 8 was served on the registered office and not on the corporate office of the respondent. I am really sorry. This case was decided by NCLT. So, jo adjudicating authority ne pehle ye application is baat ke liye reject kar di ki jo demand notice tha वो रजिस्टर्ड ऑफिस की जगह पे कॉर्पोरेट ऑफिस में भेजा गया तो क्योंकि जो सेक्शन 9 में ये कंडीशन थी कि जो कॉपी है उसकी एप्लीकेशन की पिटीशन की वो रजिस्टर्ड ऑफिस पे कॉर्पोरेट डेटर के भेजी जानी चाहिए थी जो डिमांड नोटिस सेक्शन 8 में जो भेजा वो रजिस्टर्ड ऑफिस की जगह कॉर्पोरेट ऑफिस पे भेजा पर वो जब रिजेक्ट कर दी एप्लीकेशन तो ऑपरेशनल क्रेडिटर फिर एनक्लेट जो एनसीएलएटी में गए अपीलेट अथॉरिटी में और वहां अपील करी तो एनसीएलएटी ने ये कहा कि अगर कॉर्पोरेट डेटर को चाहे रजिस्टर्ड ऑफिस पे या कॉर्पोरेट ऑफिस पे दोनों में से कहीं भी अगर
वो नोटिस मिल गया है तो इट विल बी ट्रीटेड एज वैलिड सर्विस ऑफ नोटिस और वो अपील एक्सेप्ट कर ली एंड फिर उसके खिलाफ जो पिटीशन पहले रिजेक्ट कर दी गई थी वो बाद में एडमिट कर ली। तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब अगले पार्ट में हम इसके आगे की कार्यवाही देखेंगे कि अभी तक हमने पढ़ा कि फाइनेंशियल क्रेडिटर कैसे CIRP इनिशिएट कर सकता है पार्ट टू में। अब पार्ट थ्री में भी हमने आज ये पढ़ा कि ऑपरेशनल क्रेडिटर किस तरीके से CIRP इनिशिएट करते हैं। अब नेक्स्ट वाले जो लेक्चर होगा उसमें हम ये पढ़ेंगे कि कॉरपोरेट एप्लीकेंट यानी कॉरपोरेट डेटर खुद किस तरीके से अपने CIRP अपनी कंपनी के अगेंस्ट में कर सकते हैं। थैंक यू।